अनहोनी को होनी में बदलने वाले कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी अब नीली जर्सी में क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अपनी अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम को दो दो बार विश्व चैंपियन बनाने वाले कैप्टन कूल ने 15 अगस्त को 7:29 पर अपने ही अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया। धोनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए संन्यास की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें फोटोज के जरिए उनके क्रिकेट की जर्नी दिखाई दी गई है। खास बात यह है कि वीडियो के बैकग्राउंड में गाना था पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। वहीं धोनी का ये अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। 15 अगस्त की शाम धोनी ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की तब करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा। इतना ही नहीं, उनके तमाम फैंस भावुक हो गए। करोड़ों फैंस में एक फैन राम बाबू हैं जो धोनी के जबरा फैन माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि धोनी के संन्यास पर राम बाबू ने क्या कहा। मैं उनका एक छोटा सा डायट फैन हूँ और मैं हमेशा ही उनको चेयर करता हूँ और धोनी सर का नाम लिख के हमेशा स्टेडियम में मौजूद रहता हूँ और जहाँ भी मैच होता है वहाँ मैं पहुँचता हूँ। बट इस टाइम मैं धोनी सर के पास नहीं हूँ क्योंकि उनका एक रिटायरमेंट जो क्या उन्होंने आज ही डिसीजन दिया है और ऐसे समय पे दिया है, ना तो कोई मैच है ना कोई सेलिब्रेशन है। एक उनको ये सम्मान मिलना चाहिए था, रिटायरमेंट का मैच मिलना चाहिए था। बहुत प्यार मिलता था स्टेडियम में जाके, सब यही कहते थे धोनी लुक लाइट, कोई आया है उनके तरह हेयर स्टाइल रखे हैं। और मैं मैच देख रहा हूँ और सामने महेंद्र सिंह धोनी जी खेल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता था उनको चीयर करना और पूरी टीम को चीयर करना। तो वो लम्हे अब दोबारा नहीं वापस आएंगे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उनकी अब मुश्किल है वापसी होगी। बस उनका बस एक ही फॉर्मेट रह गया है, वो आईपीएल। अब वो आईपीएल मैच भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे दुबई में होगा और देखते हैं क्या होता है। मैं चाहूँगा मैं जाऊँ देखने के लिए और कोशिश मेरी रहेगी कि उनका जो मैच हो, जो भी मैच में खेलें मैं वहाँ रहूं और जाके उनको चीयर करूं। बस यही कहना चाहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी सर का नाम रहेगा, भारत माता की जय, धोनी धोनी धोनी, लव यू धोनी। बताते चलें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान 29 वर्षीय धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से दिसंबर 2014 में ही संन्यास ले लिया था। वो सिर्फ वनडे और T20 फॉर्मेट में खेलते थे, लेकिन 15 अगस्त 2020 को उन्होंने सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट मैच खेले हैं, इसके अलावा 350 एक दिवसीय और 98 T20 मुकाबलों में उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। धोनी ने आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, उसके बाद उनके रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं धोनी के संन्यास की घोषणा करने के बाद तमाम साथी क्रिकेटर, राजनेता और करोड़ों फैंस भावुक हैं। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि आपने देश के लिए जो किया वो हमेशा सभी के दिल में रहेगा। कोहली ने ट्विटर पर लिखा कि हर क्रिकेटर को एक दिन अपनी यात्रा समाप्त करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जब आप किसी को बहुत करीब से जानते हों और वो इस तरह के निर्णय लेता है वो काफी भावुक करने वाला होता है। मुझे जो परस्पर सम्मान और गर्मजोशी आपसे मिली है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धोनी को भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई है कि वो आगे भी खेल को मजबूत करने के लिए योगदान देते रहेंगे। शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी के संन्यास के बाद उन्हें उनके हेलीकॉप्टर शॉट की कमी खेलेगी।
विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी 90 टेस्ट की 144 पारियों में 16 बार नाबाद रहते हुए 4,876 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक, 33 अर्धशतक और एक दोहरा शतक जड़ा। बात अगर 350 वनडे मैचों की करें तो इसमें 84 बार नाबाद रहते हुए धोनी 10,773 रन बनाए। एक दिवसीय मैचों में माही ने 10 सेंचुरी और 73 फिफ्टीज लगाई हैं। वहीं T20 के 98 मुकाबले में 2 अर्धशतक की मदद से 1,676 रन बनाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।